साल 2024 पॉलिटिक्स, खेल, सिनेमा और बाकी बहुत से क्षेत्रों के लिए एक अजीबोगरीब साल रहा है। भारत में खासकर हमने इस साल सुप्रीम कोर्ट से लेकर बीसीसीआई और बॉलीवुड को बहुत ही अलग और लीक से हटकर बोलते हुए सुना और देखा है। इस साल दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने बहुत कुछ ऐसा काम किया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी पहले पहल की खबरों के बीच अचानक 21 मार्च के दिन एक खबर आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत के लंबे राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद किया गया है। अरविंद केजरीवाल की इसी गिरफ्तारी के बाद देश और दुनिया से बहुत से लोगों ने अपने रिएक्शन साझा किए और आरोप प्रत्यारोप के प्रयास चल रहे हैं। और क्योंकि इलेक्शन का समय है तो केंद्र सरकार के रवैये के साथ साथ कुछ लोगों ने भारत में फेयर इलेक्शन होंगे कि नहीं इस बात पर भी चिंता जताई है। मगर भारत की राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की वजह क्या रही है? किस मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है? न्यू लेकर पॉलिसी का क्या मामला है और लोगों का इस मामले में क्या ख्याल है और आगे की कहानी क्या हो सकती है? इन सब टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। पूरी कहानी समझने से पहले यह जरूरी है कि हम इस मामले की जड़ में बैठे लेकर बिजनेस का भारतीय मॉडल अच्छी तरह से समझ लें। हमें पूरी कहानी शुरू करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत के कुछ बड़े राज्यों के लिए शराब का बिजनेस और इसका रख रखाव इतना जरूरी क्यों है। केजरीवाल की दिल्ली सरकार को नई लेकर पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और उस पॉलिसी से खासकर किस तरह के बड़े बदलावों को जमीन पर लाने का प्रयास किया जा रहा था। भारत में एक आंकड़े के मुताबिक लेकर एंड बेवरेज बिजनेस दुनिया के बाकी सभी देशों की तुलना में पिछले कुछ सालों में सबसे तेजी से ग्रोथ दर्ज करने वाले सेक्टर्स में रहा है। भारत में इस इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग $52.5 बिलियन बताई जाती है और इस इंडस्ट्री से देश के कुछ बड़े राज्य अपनी कमाई का 10 से 15% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। भारत में अल्कोहल बिजनेस जीएसटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है और इसलिए अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से इस पर टैक्स वसूल करते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे 5 राज्यों में अपने कुल रेवेन्यू का 10 से 15% रेवेन्यू शराब की बिक्री से ही होता है। नक्शे में थोड़ा ऊपर चलें तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रेवेन्यू का यह आंकड़ा 20% बताया जाता है। भारत को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अल्कोहल मार्केट बताया जाता है और आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में हर साल लगभग 970 करोड़ लीटर शराब का कंजप्शन होता है, यानी कि हर साल भारत में कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए की शराब सेल होती है, जिसे सभी राज्यों को मिलाकर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हासिल होता है। भारत में अलग अलग राज्यों के पास सेंटर से मिलने वाली मदद पर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए और खुद से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि वो शराब जैसी कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिस पर राज्य सरकार को स्वतंत्रता होती है और शराब जैसी चीजों के दाम बढ़ाने पर भी बिक्री पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको याद होगा कि जब कोरोना की वजह से देश में सब कुछ बंद हो गया था तब भी शराब के लिए लोगों ने तरीके निकाल लिए थे। कर्नाटक में शराब पर टैक्स रेट सबसे ज्यादा है तो दूसरी तरफ देश के कुल अल्कोहल कंजप्शन का 4% दिल्ली से आता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कुछ समय पहले अपने यहाँ एक नई लेकर पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी थी जिससे उनको शराब से होने वाली कमाई में 3 गुना का फायदा हुआ था। जब इतना बड़ा मार्केट भारत में है और हर साल कई गुना की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है तो इसके मेंटेनेंस, प्राइसिंग मॉडल, सप्लाई चेन, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक अच्छी अल्कोहल पॉलिसी की जरूरत लाजमी है जिससे सेक्टर में करप्शन और मोनोपोली को खत्म किया जा सके। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और कस्टम के साथ साथ वेंडर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतरीन बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी पुरानी शराब नीति को बदलने का फैसला लिया था। पुरानी शराब नीति में क्या खामियां थी और केजरीवाल सरकार में उसको किस तरह से बदलने का प्रयास किया गया, कौन से नियम, कानून और व्यवस्थाएं नई शराब नीति के तहत दिल्ली में लाई गई, चलिए आपको बताते हैं। अपने राज्य के टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक नई शराब नीति को इम्प्लीमेंट किया था जिससे उत्तर प्रदेश में सेक्टर से टैक्स वगैरह में कुल मिलाकर के 3 गुना की छलांग देखने को मिली थी। 3 सालों में अल्कोहल से उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू 14,000 से सीधा 41,000 करोड़ से ज्यादा हो गया था। दिल्ली में नई अल्कोहल पॉलिसी आने से पहले शराब का आधे से ज्यादा व्यापार सरकार द्वारा रन किया जाता था। सरकार की 4 बॉडीज पूरे रिटेल आउटलेट को चला रही थी। दिल्ली में उस समय 600 से 800 शराब की दुकानें थी जिनमें से 60% दुकानें सरकार चला रही थी। इसके अलावा सेलर को हर बोतल पर 25% वैट देना होता था और इसके बाद ज्यादा मुनाफा कमाना बहुत ही मुश्किल था और इससे बचने के लिए दिल्ली में शराब की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती थी। तीसरी जिस समस्या पर केजरीवाल और उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा वो ये थी कि दिल्ली में शराब की दुकानों के आसपास का माहौल और पूरी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। दुकानों के बाहर एक लंबी भीड़ दिखाई दे जाती थी जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा था और लोग बाहर से शराब मंगा रहे थे। अपने अनहाइजेनिक और अनसेटिस्फैक्ट्री माहौल की वजह से रिटेल आउटलेट्स को भी नुकसान हो रहा था। इन सभी रीजंस की वजह से दिल्ली के शराब व्यापार दूसरे राज्यों से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इन सब समस्याओं को पॉइंट आउट किया और नई पॉलिसी की बात करते हुए सबसे पहले जाहिर कर दिया कि दिल्ली में शराब बेचने का पूरा काम अब प्राइवेट कंपनीज के हाथों में होगा। ब्रांड पुशिंग, टैक्स चोरी और स्मगलिंग जैसी बड़ी समस्याओं से निपटना इस नई लेकर पॉलिसी का लक्ष्य रहने वाला था और मनीष सिसोदिया ने यह विश्वास दिलाया था कि इस पॉलिसी के बाद दिल्ली को अल्कोहल मार्केट से 3500 करोड़ का अतिरिक्त सालाना रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा जिसे बाद में सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में
इन्वेस्ट किया जाएगा। सितंबर 2020 में इस पॉलिसी के निर्माण के लिए पहली कमेटी बनाई जाती है और इसके बाद अगले महीने में एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है जिसे आगे चलकर दिल्ली कैबिनेट के सामने पेश किया जाता है, जिसके बाद 5 फरवरी 2021 के दिन मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन को मिला करके एक टीम तैयार होती है जिसे इस पूरी पॉलिसी के हर पहलू पर विचार करना था और पॉलिसी को आखिरी स्वरूप देना था। आखिरकार जून 2021 में पॉलिसी को पब्लिकली रिलीज किया गया। इसमें क्या कुछ शामिल था, आइए जानते हैं। इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली में अल्कोहल कंजप्शन की लीगल एज को 24 की जगह 21 कर दिया गया, जिससे युवाओं का मार्केट बढ़ गया था। दूसरी बात ये कि लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 6-7 करोड़ कर दिया गया था, जिससे सरकार के रेवेन्यू में एक बड़ा रेवेन्यू मिल सकता था। तीसरी बात ये कि इस पॉलिसी में लाइसेंस के लिए एक बिडिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके जरिए बेस प्राइस से ज्यादा पैसों में लाइसेंस बेचा जा सकता था। अगला बदलाव ये था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटी के लिए दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में बांटा गया और ये नियम बनाया गया कि हर जोन में 27 शराब की दुकानें ही होंगी। मतलब ये कि दिल्ली में 849 शराब की दुकानें ही चलाई जाएंगी। कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ठेकों में हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई, एयर कंडीशन, वॉकिंग फैसिलिटी, मोर स्पेस और अच्छी लाइटिंग की सुविधाएं भी मुहैया करवाने की बात कही गई और कुछ बड़े ठेकों को रात में एक एक्स्ट्रा घंटा चलाए रखने का फैसला भी लिया गया था। साथ ही ड्राई डेज का नंबर भी घटा करके कम कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने जोनल लाइसेंस के लिए बेस प्राइस 221 करोड़ रखा था और इसके लिए कंपनी को कुछ शर्तें भी माननी जरूरी थी, जिसमें से एक ये थी कि दुकानों का एरिया 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कुछ राज्यों को देखते हुए शराब की होम डिलीवरी भी शुरू करने का फैसला किया गया और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी बनाए गए, जिससे आसपास के लोगों को दुकानों की वजह से कोई मुसीबत का सामना न करना पड़े। पॉलिसी के एग्जीक्यूट होने के कुछ समय बाद ही सरकार ने इस पॉलिसी को सुपर हिट बता दिया, मगर कुछ समय गुजरा तो इसके विरोध में भी आवाजें उठनी शुरू हो गई। पॉलिसी के नियमों को गलत ठहराया गया और अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पॉलिसी का पोस्टमार्टम किया और अपने अपने रिव्यूज लोगों ने तैयार कर लिए थे। कुछ सिटीजंस ने अपने घर और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खुलने के बाद ऐतराज जताया था। कांग्रेस और बीजेपी ने भी पॉलिसी को फ्लॉप और बेकार बताया और दिल्ली सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिजनेस ओनर्स की अपनी समस्याएं थी। सरकार पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाया गया और यह बात कही गई कि सरकार सिर्फ बड़े सेलर्स को ही फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए पॉलिसी में लाइसेंस फीस को बढ़ाया गया है, हाई EMD, प्री पेइंग टैक्स और 500 स्क्वायर फीट जमीन की शर्त रखी गई है, क्योंकि यह सब कुछ अरेंज करना किसी छोटे व्यापारी के लिए नामुमकिन काम है। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार इस पॉलिसी पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें पॉलिसी की कुछ गलतियों पर खुलकर बात की गई थी। इस रिपोर्ट के रिलीज के 2 सप्ताह बाद दिल्ली के LG VK सक्सेना ने CBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी और यहां से एक नया खेल शुरू होता है। नरेश कुमार की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि सरकार ने कुछ कंपनियों की 145 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को कोविड के बहाने माफ कर दिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सरकार ने एक कंपनी का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD भी रिफंड कर दिया था। बियर पर 50 रुपए की इम्पोर्टेड पास फीस भी हटाने की बातें रिपोर्ट में सामने आई, जिससे सरकार को नुकसान हुआ क्योंकि इससे प्राइसेस कम हो गए थे। रिपोर्ट में पॉलिसी के एजुकेशन पर भी सवाल उठाए गए और यह भी कहा गया कि सरकार ने पॉलिसी में कुछ बदलाव किए बिना LG की परमिशन लिए थे। रिपोर्ट में बदलाव के पीछे का कारण ये बताया गया था कि इससे सरकार कुछ कंपनियों को फायदा देना चाहती है, जिसके बदले कंपनियों से एक रकम वसूली गई जिसका प्रयोग पंजाब के इलेक्शन में किया जाना था। LG साहब ने जब होम मिनिस्ट्री से दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट पर CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग उठाई, तब एक नई पॉलिसी से हुए नफा नुकसान का पूरा ब्यौरा सबके सामने आ गया था, जिससे यह बात साफ थी कि नई पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुई है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए और शायद अपने विरोध में खड़े हो रहे सवालों को दबाने के लिए केजरीवाल सरकार ने नई पॉलिसी का रिपोर्ट रिलीज होने के कुछ ही समय बाद विड्रॉ कर दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगस्त 2022 आते आते केजरीवाल सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों और खासकर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि ये केस फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज समस्याओं से जुड़ा हुआ था, जिसमें ED भी जुड़ गई और PMLA के तहत एक नया केस दायर किया गया। सबसे पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया जाता है और जैसे जैसे परतें खुलती हैं कुछ बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल होते चले जाते हैं, जिनमें KCR की बेटी के कविता को भी चार्जशीट में जोड़ा जाता है। और फिर फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को CBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें दिल्ली सरकार के 18 पोर्टफोलियोज पर काम कर रहे थे, मगर गिरफ्तार होते ही उन्होंने अपने निकामों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ED भी मनीष सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ करती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चार्जशीट में बात सामने आती है कि मनीष सिसोदिया को साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए 100 करोड़ रुपए मिले थे। अब जब सभी बड़े चेहरे जेल चले गए थे, तब इस केस की कार्रवाई के तरीके से लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले तक केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले का दोषी ठहराने वाले ही कुछ नेता अब उन्हें बेकसूर और भला बता रहे थे और सवालों की सुई केंद्र सरकार की मंशा की तरफ मुड़ गई थी। इन सब के बीच 6 महीनों में ED ने अरविंद केजरीवाल को कोलाट समन जारी की और पूछताछ के लिए बुलाया, मगर केजरीवाल ने किसी भी समन का जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल एक तरफ खुद को बचाने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए, तो दूसरी तरफ ED ने केजरीवाल को इस मामले का मास्टरमाइंड बता दिया। और फिर पिछले महीने ED अपने नवे समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंचती है और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद बयानबाजी और रिएक्शंस की बौछार होने लगती है। हर किसी का
बातनामा और अपने विचार इस मामले में तैयार थे और हर किसी को जैसे अपनी बात रखनी थी। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं तो कुछ कानून के जानकार बिना सबूत के केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली बात का विरोध करते हैं। नेताओं से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने बयानों में अब तक कई बार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। चुनाव से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालने वाली बात पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बीजेपी अपने कंपटीशन को अगले चुनाव से पहले ही खत्म करना चाहती है। ऐसे कुछ बुद्धिजीवियों को लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है और डिक्टेटरशिप का दौर चल रहा है। मगर दूसरी तरफ कुमार विश्वास और अन्ना हजारे जैसे कुछ लोग भी जिन्होंने केजरीवाल के साथ बहुत समय बिताया है, उनका इस मामले में बयान बाकी लोगों से काफी अलग है। दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी बातें हैं और दोनों पक्ष मजबूती से अपनी बातें बोल भी रहे हैं। मगर इन सब के बीच सबसे ज्यादा दुख ये देख करके होता है कि करप्शन खत्म करने का भरोसा देकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाला नेता और उसके साथ ही आज करप्शन के मामले में जेल में बैठे हुए हैं और उन्हें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। और जब केस लगातार आगे खिसक रहा है तो एक सवाल यह पूछना भी जरूरी है कि क्या दिल्ली का शासन केजरीवाल ऐसे ही जेल में बैठे हुए चलाते रहेंगे या देश की राजधानी पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और 15 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद क्या फैसला आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर तब तक आप हमें बताइए कि आपका इस मामले पर क्या सोचना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बहुत से दोस्तों की डिमांड पर ये वीडियो लाई गई है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।